ओम श्री गणेशाय नमः, ओम आदिदेवाय नमः। वृषभ राशि को समझने के लिए जो हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में जाना, पहले में परशुराम जी की कहानी और दूसरे में शुक्राचार्य कच्छ और शुक्राचार्य जी की पुत्री देवजानी, देवजानी मतलब देवताओं तक जाने का रास्ता। और अब हम आज इसके पार्ट थ्री में, जो कि मुझे लगता है शायद आखिरी पार्ट होना चाहिए वृषभ राशि का, हम ये समझेंगे। देखिए, शुक्र की उपासना जब हम करते हैं तो देवी की उपासना करते हैं। शुक्र की देवी है, एक्चुअली शुक्र देवी का रूप है साची देवी। शुक्र हीलर है, शुक्र हील करते हैं। शुक्र की महादशा अंतरदशा में इंसान अपने आप को हील करता है, रिजुविनेट होता है, स्मृत संजीवनी के कारक है। शुक्र वीर के कारक है, तो वीर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग समझ रहे होंगे मैं क्यों कहना चाह रहा हूं। वीर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। शुक्र आदमी को रिजुविनेट करते हैं। साची देवी इंद्र की हीलर थी, इंद्र को ठीक रखती थी। वो इंद्र की तबीयत खराब होती तो उनको दवा ववा साची देवी देती थी। साची देवी एक्चुअली लक्ष्मी जी का रूप है, इसीलिए लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं हम लोग, उनको साची बोलते हैं। शुक्र की साची देवी की कृपा से ही वर्षा होती है। वर्षा इंद्र नहीं करते हैं, इंद्र से बादलों के कारक है, और जो वर्षा होती है वो साची देवी करती है। और वर्षा होती है तो क्या होता है, पृथ्वी पे हीलिंग होती है। जब बारिश होती है तो अच्छा लगता है, तो पृथ्वी की हीलिंग होती है, फसलें अच्छी होती हैं। समय पर वर्षा होने का कितनी इंपॉर्टेंस है। पृथ्वी जो पंचतत्व में जो तिथि है, जो कि जल की कारक है, वो साची देवी है। एक बार देवताओं और राक्षसों में, नौ ग्रहों में ये तय होना था कि कौन ग्रहों का देवता है, जो कि गुरु महाराज है। तो सभा बुलाई गई, इंद्र की सभा में सारे ग्रहों को आना था। उसे तय होना था कि ग्रहों का राजा कौन होगा, ग्रहों का गुरु कौन होगा। तो सारे प्लैनेट्स जब ग्रहों ने आना शुरू किया तो सबको लगता था शुक्र बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत तेज है, बड़ा तेज है उनके चेहरे पर। किसी तरीके से उनको अगर रोक दिया जाए तो गुरु महाराज जो है निर्विरोध राजा हो जाएंगे। तो क्या किया, एक छल से जब शुक्र आ रहे थे तो सभा की ओर, तो एक स्त्री के ऊपर अत्याचार होता दिखा। तो शुक्र महाराज ने युद्ध किया और उस स्त्री की रक्षा की। जब तक युद्ध करते करते, रक्षा करते करते सभा में नहीं पहुंचे, सभा खत्म हो गई और गुरु महाराज को ग्रहों का देवता तय कर दिया गया। तो इससे क्या मालूम चलता है कि आप किसी की रक्षा करने में अपनी और प्रायोरिटी का भी ध्यान रखिए, रक्षा करने का और रास्ता भी निकालिए। इंटेलिजेंट, शुक्र इज कारक ऑफ योर इंटेलिजेंस रिलेशनशिप। क्यों, अगर इंटेलिजेंट होंगे तभी आपको रिजुविनेशन हो पाएगा। तो ये बात, शुक्र के सबसे अच्छे दोस्त हैं शनिदेव, सैटर्न एंड वीनस, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स टू ईच अदर। तो शनिदेव को यह बात नहीं अच्छी लगी। शुक्र महाराज ने बताया कि ऐसे ऐसे धोखा हो गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो शिकायत करने कहाँ जाते हैं लोग, शिकायत करने महादेव के पास, देवाधिदेव महादेव। तो भगवान शिव ने उनकी बात सुनी, महादेव ने, उन्होंने कहा हाँ ये बात तो है कि धोखा तो हुआ, तो ऐसा कुछ करो जो कोई नहीं कर सकता। तो मैं सोचूं, देखिए भोलेनाथ के मूड बहुत अवगढ़ है ना, अवगढ़दानी है। तो उनको लगा कि ये अगर वाकई में उनसे श्रेष्ठ है, अगर ये कह रहा है श्रेष्ठ है तो होगा, मगर कुछ ऐसा करके दिखा दे जो कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा महाराज, कोई आपकी भक्ति में अपने आप को भस्म तो कर नहीं सकता, मैं कर देता हूं। 1000 साल तक अग्नि के ऊपर शुक्रदेव ने उल्टे खड़े होकर तपस्या की और अपने आप को भस्म करने लगे 1000 साल तक। जब भस्म करने लगे तो ये बात शिव जी को बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने फिर उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए बताओ, ग्रहों के राजा तो गुरु हो चुके हैं, उस कालखंड को तो मैं रिवर्स नहीं कर सकता। उन्होंने कहा महाराज, वो चीज दीजिए जो किसी के पास नहीं हो देवताओं के पास। तो कह रहे हैं एक ही चीज देवताओं के पास नहीं है, वो है मुर्दे को जिंदा करना, वो विद्या है मृत संजीवनी, वो मैं तुमको दे देता हूं। तो उन्होंने शुक्र महाराज को वो विद्या शिवजी ने दे दी। अब शिवजी ने दे दी, शुक्राचार्य थे, राक्षसों के देवता थे, तो उन्होंने राक्षसों को सिखाना शुरू कर दिया। तो राक्षसों ने अपने स्वभाव से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो देवता परेशान हो गए, शिव जी के पास पहुंचे कि महाराज आपने ये क्या सिखा दिया उनको, अब तो पूरा देवताओं का ही नाश कर देंगे पृथ्वी से।
तो शिव जी ने कहा कि तुम लोगों ने भी तो धोखा दिया था उनको। तो उन्होंने कहा महाराज मगर देवता खत्म हो जाएंगे तो अच्छा ही रह कैसे जाएगी, फिर सब राक्षसों का ही साम्राज्य हो जाएगा। तो महादेव ने उनको बुलाया, शुक्र महाराज को, शुक्राचार्य जी को। उन्होंने बोला कि आपको मैंने ये विद्या दी है सुप्रीमेसी के लिए और लोगों की मदद करने के लिए, कि लोगों की रक्षा करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, आप इसको मिसयूज कर रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि महाराज आप ही ने विद्या दी है, अब इसको यूज कैसे करना है, इसका अधिकार तो मेरे पर दे दीजिए। तो खैर उनकी बात नहीं माने, तब उन्होंने कहा नहीं माने तो महादेव भी क्या कर सकते थे, चूंकि ये विद्या दे ही चुके थे, उसको मारते तो फिर जिंदा हो जाता, शुक्राचार्य जिंदा हो जाते। तो उन्होंने शुक्राचार्य जी को सांस के द्वारा अंदर पेट में ले लिया महादेव ने। उन्होंने कहा आप पेट में बैठे रहो, ना कहीं जाओगे ना कोई बवाल होगा। ऐसे करते करते जब कई वर्ष होने लगे तो शुक्राचार्य जी परेशान हुए। उन्होंने देवी पार्वती से प्रार्थना की कि देवी गलती हो गई, अब बाबा से क्षमा दिला दे, क्योंकि बाबा तो सुनेंगे नहीं। तो देवी ने महादेव से प्रार्थना की तो अपने वीर से शुक्रदेव को बाहर निकाला क्षमा याचना के बाद। इसीलिए शुक्र महाराज को, अब मैं जो बता रहा हूँ बड़े ध्यान सुनिएगा, शुक्र महाराज को शिव के तीसरे पुत्र की संज्ञा दी गई है और उनका एक नाम वीर्य पुत्र भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जस्टिस के काम के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मृत संजीवनी तक की विद्याएं प्राप्त हो जाएंगी। देखिए बड़े बड़े जो योगा टीचर होते हैं, साधक होते हैं, वो अपने फिटनेस कोच जो होते हैं वो इन्वर्जन जरूर बताते हैं। साइंस ने भी प्रूव किया है कि ये शरीर सीधा खड़े होते हैं ना, सिर ऊपर पैर नीचे, तो धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स से दांत बाल स्किन सब धीरे धीरे ढीली होने लगती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे बचने के लिए डेली शीर्षासन बताया गया था। हर ऋषि मुनि शीर्षासन क्यों करते थे, क्योंकि शीर्षासन करने में इन्वर्जन होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से आपके नीचे आ रही बॉडी के पार्ट्स वो एक बार ऊपर वापस जाते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि जितने भी सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े जो फिटनेस कोच हैं वो लोग अपने स्टूडेंट्स को इन्वर्जन कराते हैं, हैंड स्टैंड या इन्वर्जन, सिर नीचे हैंड स्टैंड, हेड स्टैंड, शीर्षासन जिसको बोलते हैं। शीर्षासन करने से क्या होता है, ज्ञान चक्र, ज्ञान के कारक हैं शिव, वो जागृत होते हैं, मृत संजीवनी जागृत होती है, आप बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर हो सकते हैं और शुक्र की कृपा मिलती है। ज्ञान चक्र जागृत होता है, आप जल्दी बूढ़े नहीं होते, आपके स्किन टाइट रहती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इन्वर्जन आया है ये बिकॉज ऑफ वीनस, इट रिजुविनेट्स यू एंड इट मेक्स योर लाइफ, गिव यू लाइफ अगेन इनटू फिटनेस फॉर्म। तो शुक्र वृषभ राशि शुक्र समझने के लिए हमने ये जाना कि समर्पण, प्राइड, शो ऑफ, रिजिडिटी, बदला, रिश्ते, शिव, वीरपुत्र, साची देवी, वर्षा, हीलिंग, पजेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी होता है, जो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उतना ही बड़ा आदमी बनता है, उतना ही फेम होता है, उतना ही बड़ा नेता बनता है। हमारे लीडर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उनको ट्रू सेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अगर ट्रू सेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो शुक्र की कृपा नहीं होगी, डिफेम होंगे, चेहरा खराब होगा, नाना प्रकार की बीमारियां होंगी। शुक्र तिरछा देखते हैं, तो शुक्र को समझने में हम लोगों ने तीन चार कहानियां समझी, साची देवी, परशुराम, देवजानी और वीरपुत्र होने का, मृत संजीवनी, इन्वर्जन। मुझे लगता है कि वृषभ राशि को समझने में हम लोगों ने काफी बात कर ली। अब आप देखिएगा जैसे साल एक्टिवेट होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो वृषभ राशि यहां पे है, तो सेकंड ईयर में वृषभ एक्टिवेट होगा प्लस 12, फिर से 14वें साल में वृषभ एक्टिवेट होगा, फिर 12 26वें में, फिर 12 38वें में, फिर 12 50वें में। इस तरीके से अगर आप देखेंगे अपनी कुंडली को तो इतने ही ज्ञान से अपनी कुंडली के फिलहाल मेष और वृषभ तक में काफी कुछ समझना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।